नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह रैना आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर। दोस्तों लो आज आपकी डिमांड के ऊपर एक बार फिर आपको ले आया हूँ एपीएमसी शिमला सेब मंडी ठीकरी खामपुर बॉर्डर। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने पूछा था कि ये मंडी कहाँ पर है, चलिए दोस्तों आज आपको दिखाऊंगा। ये मंडी जो है जम्मू कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे, पहले जिसको एक नंबर जाना जाता है जीटी रोड, ये वो जीटी रोड है। यहाँ से जो कुछ दूर जाएंगे सामने आपको मिलेगा यहाँ से सिंघ बॉर्डर, जहाँ से दिल्ली शुरू हो जाती है सिंघ बॉर्डर, ठीकरी बॉर्डर भी बोलते हैं इसको। और ये मंडी पड़ती है यहाँ खामपुर गांव है, खामपुर गांव के पास में मंडी पड़ती है एपीएमसी। ये आजादपुर मंडी का ही हिस्सा है, क्योंकि जो अब हिमाचल का जो कुल्लू वाला सेब है और कश्मीर का सेब है वो दिल्ली आजादपुर मंडी में बिकता है, और जो शिमला का सेब है, शिमला बेल्ट का, शिमला किन्नौर जितने भी ऊपर तक का इलाका चला गया वो सेब अब यहाँ पर बिकता है। फिलहाल तो दोस्तों सेब की अभी शॉर्टेज है, क्योंकि सेब की फसल खराब हुई। जो हिमाचल का सेब है, एक तो बरसातें ज़्यादा आने के कारण किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पर उनके बगीचे बह गए, घर बह गए, होटल बह गए, कारें बह गई और पेड़ भी बह गए, खेत भी बह गए हिमाचल वालों के। अभी तक तो माल कम है, आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन से इलाके का कितना माल आएगा। फिलहाल मंडी में सेब कम है, और जो सेब आ भी रहे अभी साइज थोड़ा छोटा है, और सेब की डिमांड पूरी है जी। और यहाँ आपको सारी सुविधा है खाने पीने की, रहने की तो नहीं है, रहने के लिए तो आपको आजादपुर ही जाना पड़ेगा। जिस आड़ती के पास आप माल लेकर आएंगे या जहाँ खरीदने के लिए ले आएंगे वहाँ पर ही आपको मिलेगा। और इसके ए बी सी डी ई चारों तरफ के ब्लॉक हैं जी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, पहले जब वहाँ से आएंगे दिल्ली की तरफ से आप आएंगे, दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ से यदि आप आते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा शिमला एप्पल मंडी में। हर बस आने वाली यहाँ तक दिल्ली की तरफ से आती है, वो 15 रुपये का ये हरी हरी लिल्ली बसें आएंगी, 15 रुपये लेंगी है, 10 रुपये वो उतार कर चली जाएंगी। जो स्टेट गवर्नमेंट की बाहर की बसें हैं, जो हरियाणा पंजाब की, वो पुल के ऊपर से जाएंगी फ्लाईओवर के। जो दिल्ली सरकार की बसें हैं, जो लोकल बसें हैं, वो 10-10 रुपये में आपको दिल्ली की तरफ से उतार देंगी। यदि आप सोनीपत पानीपत की तरफ से आते हो, जैसे ही कुंडली बॉर्डर में बढ़ोगे आप यहाँ पर, तो 2-4 किलोमीटर चल के ये मंडी आ जाएगी लेफ्ट साइड में। यहाँ पर टॉयलेट की, बाथरूम की, और यहाँ पर आपको सारी दुकानें मिलेंगी जो दिल्ली आजादपुर मंडी में होती है। इतना महंगा नहीं है जी यहाँ पर खाने पीने का, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पार्किंग की खुली सुविधा है। और यहाँ पर सारी मंडियों में सेब है, ये डी ब्लॉक है, इसके भी 85 नंबर तक दुकान है। यहाँ पर आप जहाँ से भी आएँ घूमो फिरो, जहाँ मर्जी थे माल लो, जहाँ आपको माल पसंद आए, सभी आड़तियों के पास माल देखो, देखो माल ही माल है, चारों तरफ माल है। ये सारी दुकानें हैं यहाँ पर, VEA 279, C523, ये तो सब के बोर्ड लगे जी दोस्तों यहाँ पर। सारी दुकानों के पास कोई बोली में चलता है, कोई बिना बोली के चलता है, एक से एक माल मिलेंगे, एक से एक वैरायटी मिलेगी। ये दुकानें हैं जी, घूमो फिरो जहाँ मर्जी से माल लो। गाड़ी की आपको पूरे हिंदुस्तान में छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक की ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। यदि आपको 100 डब्बे खरीदने हो तो 100 डब्बे भी यहाँ से लेकर आपको हिंदुस्तान के किसी कोने में पहुँचा सकते हो, और यहाँ तक कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ से हर जगह की आपको सुविधा मिलेगी। बोली में भीड़ है सभी दुकानों के पास, किसी के माल बिक लिए और एक से एक माल आ रहे यहाँ पर, देखते रहो माल को, घूमते रहो, हर जगह का यहाँ पर लोडर बैठो है जो यहाँ से माल लोड करते हैं। ये हो गया जी डी ई ब्लॉक हो गया था, फिर इसके बाद ये चल गया ब्लॉक एक और यहाँ पर। ये सारी सेब मंडी है, यहाँ पर जैसे मर्जी अपने माल को छांटो, चेक करो, गाड़ी में आओगे। सबसे बड़ी बात है आजादपुर मंडी में आप गाड़ी लेके आते हैं, आपकी गाड़ी में वहाँ गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं है। यहाँ मर्जी आप 10 टायरी बस में बैठ के आओ, अपनी बस स्पेशल लेके आओ, जो एक्टरों के पास होती है वैनिटी वैन, वो उसकी भी जगह मिलेगी आपको यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की। ये सब आड़ती सेब के हैं जो दिल्ली आजादपुर मंडी के हैं। कुछ इसमें ऐसे हैं वहाँ पर सुबह को अपनी सब्जी फ्रूट बेच के आते हैं, फिर यहाँ माल बेचते हैं। ये मंडी 9 बजे शुरू होती है, पर जो अच्छे ग्राहक हैं या जिनकी डिमांड ज़्यादा है वो जो है सुबह यहाँ पर 8 बजे 7 बजे पहुँच जाते हैं। वो माल को चेक कर लेते हैं, जाँच लेते हैं कि हमको कौन सा माल लेना, वो माल को देख लेते हैं, फिर 9 बजे जैसे यहाँ बोली शुरू होती है उसी हिसाब से वो उसकी बोली लगाते हैं।
ये सब खुली ढीली मंडी है जी, यहाँ पर ये सारे के सारे आड़ती माल बेच रहे। देखो जी, माल आपको लेना है, घूम फिर के माल लेना, जिसकी दुकान पे बढ़िया माल लगे वहां से माल ले लो, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। इससे खुली मंडी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मंडी नहीं मिलेगी। जो मंडी की सुविधा इसमें है माल खरीदने की, माल खरीदने से मतलब है माल के इतने आड़ती है, यहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया अच्छे माल मिल जाएंगे। फिर ये ब्लॉक चल गया जी एक और, एक बार आपको यहाँ आना पड़ेगा आके देखकर। यहाँ पर भी बोली चली जी, एक बार आओ माल देखो घूमो फिरो, यदि आपकी आड़ती से अच्छी जानकारी बन जाए बातचीत हो जाए फिर आप चाहे ना भी आओ ऑर्डर पे भी माल ले सकते हो। विश्वास रखना पड़ेगा आपको, उनके पैसे समय से पहले देने पड़ेंगे, माल आपके वो घर तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है जी। ये देख छोटे 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 गाड़ियाँ हैं माल लेके यहाँ से लोड करके दिल्ली और दिल्ली के आसपास की मंडियों में, यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से माल सप्लाई होगा। और दोस्तों इस मंडी का एक और फायदा है, यदि आप यहाँ से सेब लोगे, कुछ माल जो है आप बाहर से भी ले सकते हो, आजादपुर मंडी से अपनी गाड़ी में जो है कुछ सेब लाद लिया, कुछ और सामान ला दे, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का लो जी चाह भी मिल रही, मीठे तेज मीठा पत्ती पाके बढ़िया वाली। इधर भी ब्लॉक है, बहुत बड़ी मंडी है देखो जी, कभी का चला है कैमरा और लगातार अभी कैमरा चल रहा है, पूरा ब्लॉक चला गया दूर तक उधर तक, ये यहाँ ख़त्म हो जाता है ये। और फिर एक वो सामने का चल गया ब्लॉक, वो भी दूर तक का है जी। चलिए जान लेंगे, लो जी आज आपको बोली दिखाएं, पहले सेब की बोली कैसे होती है यहाँ पर। असली सेब का तो दोस्तों 15 दिन के बाद पता चलेगा कि मंडी में माल कितने आ रहे, अभी तो माल की शॉर्टेज है, गन्ने का रस भी पियो जी चाहे। और यहाँ पर बोली चली हुई है, लो जी बोली तो चली हुई, क्या यहाँ तो चल भी ली और ख़त्म भी हो ली जी। ये तो अपने सेब आप ही खुद खा रहे जी अंशुमन धवन जी, लो जी अपना सेब आप ही खा रहे जी ये तो। हाँ जी अभी से कोई ख़त्म होने का टाइम है, ये क्या टाइम है जी। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी अपना सेब आप ही खा रहे जी आज तो। अपना सेब खाने का स्वाद ही अलग है ना। अच्छा जी अच्छा, हाँ जी बाबू जी, और जी ठीक ठाक जी, क्या बात बोल ली जल्दी निपट गई जी आज। असल में थोड़ा सा राणा जी पीछे बारिशों की भी दिक्कत है। अच्छा जी, सड़कें टूट गई हैं। हाँ जी, थोड़ा एक दो दिन से माल कम ही आ रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, कम होने के कारण थोड़ा सा चहल पहल भी अच्छी है। हाँ जी, उठाव अच्छा है बाजार में। अच्छा जी, समय से बिक रहा है माल, रौनक पूरी है जी। रौनक ठीक है जी, बहुत पूरी भी नहीं है, माल थोड़ा कम ही आ रहा है। अच्छा जी, लेने वालों की तो भीड़ है जी, बस मंडी क्लियर हो गई जी। अच्छा जी, आप थोड़ा सा जल्दी आया करो। अच्छा जी, पूरी रौनक देखोगे अभी आजादपुर मंडी को कवर करके, अभी तो फिर वहाँ पर जाना दोबारा। सही बात। हाँ जी, तो बोली निपट गई जी आज, बोली क्लियर हो गई जी। तो माल ये बताओ अभी कम आ रहे हैं, आने वाले समय में माल तो बढ़ेंगे जी, अभी अगले हफ्ते में बढ़ जाएंगे जी, थोड़ा मौसम भी कुछ कुछ साफ होने लगा है अब। अच्छा जी, और थोड़ा सड़कों के ऊपर में रिपेयर चल रहा है। हाँ जी, उम्मीद है कि 3-4 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जानी चाहिए। अच्छा जी, बाकी अभी लग रहा है 2-3 दिन माल थोड़ा कम ही आएंगे। और जो पीछे बरसातें ज्यादा हुई थी नुकसान की, क्या कुछ खबरें आई है जी अब कुछ? नुकसान देखो सबसे ज्यादा नुकसान सड़कें टूटने का है। अच्छा जी, सड़कें टूटी हैं, जो सड़कें उतर गई हैं वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा जी, कि ग्रोवर जो है वो माल कैसे लेकर के आए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम इस टाइम बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा जी, तो उस कारण कहीं ना कहीं जो तुड़ान है वो भी कहीं ना कहीं अभी स्लो है, कुछ लोग रुके हुए हैं जिन्होंने शुरू करा था वो रुके हुए हैं। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा जी, जब कौन सी सड़क की समस्या सामने आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, थोड़ा अभी कहीं ना कहीं सड़कों का रिपेयर जो है वो चल रहा है, और थोड़ा सा रिपेयर थोड़ा ठीक होते ही लोड भी बढ़ जाएगा। अच्छा जी जी, तो आज कितनी गाड़ियों के लगभग आ रही भाई साहब जी मंडी में? जी मंडी में गाड़ियाँ कमी है आज, लगभग मेरे ख्याल से 55-60 गाड़ियों का मोटा मोटी एक एवरेज सिर्फ होगा। अच्छा जी, तो रेट कौन से सेब के कितने रेट, कहाँ कहाँ तक के रेट चल रहे, कहाँ तक के लेने वाले आ रहे भाई साहब अभी? ऑल इंडिया का बाहर आ चुका है जी। हाँ जी, ऑल इंडिया बाहर इस टाइम पे आ चुका है मार्केट में, और रेटों की स्थिति ये चल रही है जिन मालों में थोड़े कलर कम है। हाँ जी, 50-60-70% ही कलर है जिनमें। हाँ जी, वो माल आज बिके हैं लगभग 1300 रुपये से लेकर के 1700 रुपये गड में, बड़ा डब्बा गड में जी। और वजन कितना जी है?
वजन आप मान के चलिए लगभग 25-26 किलो के आसपास आ रहे हैं। अच्छा, जिन मालों में कलर थोड़े अच्छे हैं 80% 90% है, हाँ जी, वो माल आज बिके हैं 1800 से लेकर के 2400 रुपए गड में। अच्छा जी, बाकी जो 100% कलर है सुपीरियर क्वालिटी है वो 2500 से लेकर 3000 रुपए गड में। गड में जी, जी सेवन लेयर का रेट अलग होता है, सिक्स लेयर तक सेपरेटर तक रेट एक ही होता है गड। अच्छा जी, अच्छा। और जो 10 किलो वाले डब्बे भी आ रहे हैं भाई साहब जी? 10 किलो वाले भी आ रहे हैं जी। हाँ जी, 10 किलो वालों की स्थिति मान के चलिए 1400 से लेके 1700 रुपए गड में चल रहे हैं। अच्छा जी, 7 लेयर तक वो गड में बिकता है गिफ्ट पैक। जो अभी नए बंदे देख रहे हैं उनको गड का मतलब समझा दो जी। गड का मतलब ये होता है बड़ी पेटी में गड होता है 6 लेयर सेपरेटर तक। हाँ जी, उसका जो 7 लेयर होता है वो रेट अलग हो जाता है। अच्छा जी, डब्बों में जो गड होता है उसमें होता है 7 लेयर तक। 7 लेयर का मतलब ये हो गया कि जो बड़ी पेटी का 7 लेयर होता है वो डब्बे में 4 लेयर आता है जी। अच्छा, डब्बा जो बिकता है वो 4 लेयर तक गड बिकता है। अच्छा जी, मतलब एक ही रेट फ्लैट रेट बिकता है 4 लेयर तक। हाँ जी, तो वो बिक रहे हैं 1400 से लेके 1700 रुपए अच्छे माल जिनमें कलर अच्छे हैं। अच्छा जी, बाकी जो थोड़े से एवरेज कलर के माल हैं वो 1000 से लेके 1200-1300 रुपए भी बिक रहे हैं गड में। अच्छा जी, 4 लेयर तक गड में बिकता है वो। अच्छा जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। हम तो भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करें कि हिमाचल वालों के जो विपता इनके ऊपर इनका सेब ठीक ठाक यहाँ पहुँच जाए, रेट भी टिके रहें जी, और इनके रेट भी ठीक ठाक से माल निपट जाए, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हुआ जी अब की। बिल्कुल बिल्कुल जी, रेट तो लगभग अच्छे चल रहे हैं, बस समस्या यही है कि समय से माल जो निकल सकते हैं वो निकल जाएं बस। अच्छा जी, वो थोड़ी जो एक परेशानी का मंजर बना हुआ है कि सड़कें जो खराब हो गई हैं, हाँ जी, वो थोड़ा सा दुरुस्त होनी जरूरी है, प्रशासन लगा तो हुआ है जोर शोर से। अच्छा जी, बाकी थोड़ी समस्या तो है ही है। हिमाचल के अंदर तो एक सड़क बनानी कोई खेल नहीं है जी, छोटी सी सड़क भी बनानी बहुत लंबा काम चलता है जी वहाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी तो है जी, क्योंकि पहाड़ के साथ टक्कर लेनी है जी, एक छोटी छोटी मशीनें हो तो जेसीबी एक पहाड़ के साथ टक्कर लेना जी। फिर भी प्रशासन जोरों शोरों से लगी हुई है। अच्छा जी, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जल्दी ही समस्या का हल हो जाएगा और गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी अपना? दुकान का एड्रेस हमारा महाराष्ट्र फ्रूट कंपनी C29 सब्जी मंडी आजादपुर, मोबाइल नंबर 9810162923। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। दोस्तों ये है जी भाई साहब के ये दुकान के एड्रेस है जी, इनके ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी तो कितने दिन चले गए जी, अभी कितने दिन रहेंगे आप यहाँ पर? अक्टूबर तक, पूरे अक्टूबर तक यहीं पर मिलेंगे आपको। ये जैसे ही मंडी गेट, ये फ्लाई ओवर है, बसें जा रही मंडी में, गेट से बढ़ते ही शुरू में ही सबसे लेफ्ट हैंड में सबसे पहली दुकान ही ये अंशुमन भाई से आपकी है। धन्यवाद भाई साहब जी। चलिए दोस्तों, और दुकान पे भी जान लेंगे आज का क्या कुछ बाजार चला। यहाँ पर भी जो है बोली चल रही भाई साहब के पास, ये यहाँ पर जहाँ पर बोली चलती है। दोस्तों अभी तो फिलहाल सेब की फसल मंडी में कम आ रही, रास्ते खुलेंगे तब पता चलेगा असली तो कितना माल आएगा कितना नहीं आएगा। यहाँ पर भी जो है बाजार खाली पड़ा जी अभी, चलिए जान लेंगे। वाह जी वाह, देखियो जी यहाँ पर भी जी ललित जी अकेले ही बैठे अभी तो, ये भी मैदान खाली है, बेच के निमट गए। जान लेंगे ललित भाई साहब से भी आज का कैसा, इधर भी आड़ती बैठे जी, नज़ारा है जी खुली दिल्ली मंडी में। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भैया जी, गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार भाई साहब जी, क्या बात जी। नमस्कार जी, खाली बैठे जी? खाली बैठे हैं, मंडी के सारे तुर्रम खान खरीदार मेरे फड़ पे बैठे हुए हैं। किसी के फड़ पे आप दिखा दो, ये हमारे एच के भाई, ये शबू भैया, ये एनजी वाले हैं, ये आरपी वाले, ये गुजरात की इकलौती ट्रांसपोर्ट है, इन्हीं की है न्यूपोल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये सीएफ वाले। अच्छा जी, ये पीछे हमारे तौसीफ भैया खड़े हुए हैं। आज माल कमाए मंडी में? हाँ, मंडी माल ऊपर रस्ता बंद हो गया था ना, फिर भी हमारे माल तो आ गए हैं, गाड़ी में माल पड़े। कहाँ कहाँ हुए रस्ते बंद अभी? ये परमाणु में भैया, परमाणु में इतनी नीचे आके सड़क बंद हो गई है। हाँ, तो जो एक तो गाड़ी आ गई और जो माल आने तो पीछे रह गए, सारे ही पीछे है अभी हमारे। अच्छा, हमारे माल कल आ जाएंगे, लोगों के माल कल कम होंगे। अच्छा जी, नहीं तो वो बंद कैसे, बरसात की वजह से? दोबारा बरसात की वजह से नहीं, स्लाइड आ गया, पूरी रोड ही खत्म हो गई। कल आपने न्यूज में नहीं देखा होगा? ना मैंने नहीं देखा भाई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रोड, मेन हाईवे शिमला हाईवे, चंडीगढ़ शिमला हाईवे ही बंद है। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया। और ऊपर के क्या हालात है भाई? ऊपर भी ठीक है, रस्ते वस्ते टूटे हुए हैं, लोगों के घर टूट चुके हैं भैया। हाँ जी, बगीचे खत्म हो चुके हैं। देखो अभी तो सेब का माहौल ठीक है, माल तो अभी मंडी में कम आ रहे जी, आने वाले समय में रोड चलेंगे। माल आज कम है, कल तक तो ठीक थे। अच्छा जी, आज कम है माल। हाँ जी, और डिमांड भी अच्छी है। अच्छा जी, अच्छे माल मोटे माल मुंह मांगे रेट है भैया। अच्छा जी, डब्बे बेचे हैं 2 तरह के 1600-1700 रुपए के, जो रॉयल है स्पर्शपूर्ण नहीं भैया की, जो बहुत ज्यादा बढ़िया हो। अच्छा, ज्यादा बढ़िया माल तो किसी भाव में भी है। अच्छा जी, जो ऐसे माल है जी जो इसके इंपोर्टेड के मुकाबले के माल आ रहे जी अभी? हाँ, क्यों नहीं आ रहे, वो रेट ही 3500-4000 बक्से का रेट है भैया, बड़े बक्से का जी।
और वजन कितना वो उसमें होता है? 28 किलो भी, 28-30 किलो, 28-30 किलो। और जो डब्बों में बहुत बढ़िया माल आ रहे हैं 1800-2000, ये 10 किलो के डब्बे, ये तो इम्पोर्टेड के बराबर ही पहुंच गए। हाँ, इम्पोर्टेड भी 2400 रुपये बिकी रहा है भैया, 2400 से 2800। अच्छा, बबू गोशे की वही डिमांड है। ये मोटी डंडी की जी? नहीं नहीं, बबू गोशा। अच्छा जी, मोटी डंडी भी अब डिमांड अच्छी आ गई है। हाँ जी, मोटी डंडी के हाफ भी बिक रहे हैं 1100-1100, 1150 बिक रहे हैं भैया। मंडी तो वहाँ भी सुन्नी सुन्नी खाली पड़ी है ज्यादा, वो इसीलिए एक्चुअली है जो रस्ते बंद हो गए। अच्छा जी, अब आप कह रहे हो इतना खरीदार किसी के फड़ पे तो होगा नहीं, ये तो भाई सब किंग है। बड़े बड़े कोई तुर्रम खान भी क्यों ना बैठे हो भैया, ये देखो सबसे पहले तो हमारा ये रहा जी। अच्छा जी, धन्ना भाई। अच्छा जी, अच्छा, तो ये पीछे एनजी वालों को तो आप जानते ही हो, इनकी तो दुकान पे भी आप हुआ हो जी, किंग है जी। हमारे वो अनार के किंग है, इनके पापा जी आरपी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको तो शायद नहीं पता। हाँ जी, अनार के किंग है इसके पता जी, मुझे पता जी। और इसको आप नहीं जानते? नहीं, इसकी भाई सोखा बन जाए। इनकी भैया न्यू पोल ट्रांसपोर्ट है गुजरात, मेरी आवाज नहीं जाएगी, मेरी आवाज जाएगी। अच्छा, अहमदाबाद से लेके आगे कहीं भी। अच्छा, सिर्फ इन्हीं की गाड़ी लगती है और किसी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी लगती है? राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अच्छा, पता नहीं और बतेरे स्टेशन है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इन्हीं की गाड़ी लगती है, तो इतने बंदों में भी माल नहीं बेच पाऊंगा भैया? नहीं, मेरी बात सुनो जी, कुल मिला के सेब की डिमांड अभी भरपूर है जी, फुल भरपूर है, चलती रहेगी जी। भैया इम्पोर्टेड बहुत तेज है ना? अच्छा जी, आप इम्पोर्टेड का रेट आप हिसाब लगा के चलो 2400 से 2800, 10 किलो का रेट है, 10 किलो का रेट तो है। ये जो बढ़िया क्वालिटी, हमारे किसान थोड़ी ना पीछे हैं, बढ़िया है कि वो स्टोर रह जाता ज्यादा टाइम, अभी हमारे लो बेल्ट के माल है। अच्छा जी, साइज बन जाएगा जी हिमाचल वालों को जैसे? अभी मुश्किल है, अभी साइज नहीं बनता। अच्छा जी, कह रहे बरसातों की वजह से धूप नहीं मिली उसको और साइज कम बन रहा जी अब किसी भी चीज में भैया। अच्छा जी, हाँ जी, और फसल पहले हर साल से इनकी फसल भी कम है अब की बार? भैया फसल कम है उसके बाद तबाह हो गई है, वो अलग है। अभी तो लो बेल्ट की माल आ रहे थे तो लो बेल्ट में ओले कम पड़े हुए थे। अच्छा जी, अभी तो हाइट में ओले बहुत पड़े हुए हैं भैया, तो वो भी नुकसान अलग आएगा जो हेल्ड माल जी। हम तो ये कहेंगे बाजार टिका रहे, इनके भरपाई हो जाए, भरपाई पर जो भरपाई तो बहुत मुश्किल है किसानों पर, जिनके घर बह गए और खेत बह, खेत तो दोबारा मिलेगा नहीं जी। भैया एक सेब का पेड़ लगाओ 15 साल बाद 20 साल बाद जाके तो उसमें फसलें आती हैं, जो पुराना सेब है स्पर वगैरह में तो 5-6 साल में आ जाती हैं। हाँ जी, तो हाइट में तो पुराने पेड़ लगे वो चले गए, वो अब लगाएंगे तो कब कोई खाएगा? नहीं, जिसकी जमीन बह गई ना वो तो जिंदगी भर भी उसकी भरपाई नहीं होगी। बहुत बुरे हाल है, लोगों के घर टूट गए, लोग अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में रह रहे, कब तक रहेंगे? ये तो गाँव में प्यार मोहब्बत होता है तो चल जाता है भैया, शहर में तो यहाँ मरा है, यहाँ तो मरता मर जाए बाहर, यहाँ हमारे को कौन पूछ रहा? हाँ जी, हाँ जी, आप रस्ते में किसी एक्सीडेंट हो, कोई गाड़ी ब्रेक ना लगाता है यहाँ पे तो भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गाँव में ये तो मौज है जी, बिल्कुल। चलो जी, हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे सबका भला, सबका भला हो जी, सबका मंगल, सबका भला, सबका भला, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, घूम तो आए, लोग बोल रहे थे कि मंडी का दिखाओ, सारी मंडी में जा गया, बस ऐसी सी रौनक है, माल तो कमी है जी बाकी। भैया अब एक्चुअली वो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ग्राहक नहीं है। अच्छा जी, एक आध लाड लेके बैठे हुए हैं, अब वो अब ना तेजी में बेच पाते हैं ना मंदे में बेच पाते हैं भैया। अच्छा जी, अपने तो ऊपर वाले की कृपा, आपको पता भी है, मंदा हो तेजी हो माल नहीं रुकता कभी। धन्यवाद भाई, चेरी हो चाहे अंगूर हो भैया। भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस? भैया TSN D1420 ललितानंद मेरा नाम है भैया, 9811-05300 मेरा मोबाइल नंबर है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे है, ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का, ये सामने फ्लाईओवर है और नीचे से बसे जाती है। यहाँ की मंडी की लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सर्च करके भी इस मंडी में आ सकते हैं।